Hello everyone. Myself Arpit Mishra. Going to discuss about turning flight today. Here in this video, I will summarize all the points related to turning flight, whatever I have discussed in my last two videos, along with some extra points which uh, has been left out in first two video sessions. So please watch uh, my previous video lectures also based on the same topic, as this video will be the continuation of uh, those two videos uh, actually. So let's get started so the topic is aerodynamic forces in turning eh? now first uh, of all we will cover whatever the points i have written over there then i will give you certain relations related to turn rate and the turn radius so now फर्स्ट पॉइंट इज द लिफ्ट ऑन द विंग ड्यूरिंग द टर्न इज ग्रेटर दैन ड्यूरिंग द एस एल एफ यानी कि स्ट्रेट फ्लाइट से ज़्यादा ही अपने को लिफ्ट लगने वाली है टर्निंग के लिए एंड वी हैव ऑलरेडी सीन जो लिफ्ट वैक्टर था हमारा वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ था जिसमें हॉरिजोटल कंपोनेंट मेजर रेस्पॉन्सिबल था टर्निंग के लिए उसका वैल्यू ज़्यादा होगा तभी जा टर्न आपको मिलता था नाउ लिफ्ट इंक्रीजेस कंसिडरेबली विद द एंगल ऑफ अटैक वेयर अवेयर ऑफ द एंगल ऑफ़ बैंक सॉरी लिफ्ट आपका यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपका एंगल ऑफ बैंक से रिलेटेड है तो वो बढ़ाएंगे आप तो आपको लिफ्ट बढ़ करके मिलेगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फॉर्म में दैट इज़ वॉट ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स दिस मीन्स दैट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सच एज विंग स्पार विल हैव टू कैरी लोड कंसिडरेबली ग्रेटर दैन दोज ऑफ स्ट्रेट फ्लाइट तो अगर मैं बात करूँ टर्निंग की टर्निंग अ काइंड ऑफ मैन्योअर हम जिस टॉपिक में हैं वो मैनूर से रिलेटेड है मैन्योरिंग मतलब अवे फ्रॉम द एस अगर हम स्ट्रेट लेवल फ्लाइट से हट के रोल पे ची कुछ भी कर रहे हैं वो कैटेगरी में फॉल करता है हमारे मैन्यरिंग uh, पे तो मैन्यूरिंग के टाइम पे आपको लोड फैक्टर हमेशा वन से बड़ा ही मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में या यू कैन से ऑल ऑफ द केसेस में लिफ्ट आपकी थोड़ी सी ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होगी तो दिस मीन्स डैट द स्ट्रक्चर कंपोनेंट सच एस विंग स्पार विंग में स्पार लगे रहते हैं जो कि आई सेक्शन के होते हैं स्ट्रक्चरल मेम्बर कहलाते हैं उन पर ज़्यादा लोड लगेगा एज कम्पेयर टू द लोड विच हैज़ बीन इंपोस्ड ऑन द एयरक्राफ्ट स्पार ड्यूरिंग द एस एल एफ फ्लाइट अब ये डायग्राम देखो आप यहाँ पे हम लोग जो भी मैंने डिस्कस किया था मान लो जो ये नॉर्मल टर्न है नॉर्मल टर्न के केस में जो भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इक्वल रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के हॉरिजॉन्टल लिफ्ट कंपोनेंट के और हॉरिजॉन्टल लिफ्ट कंपोनेंट मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमने पहले ही डिसाइड किया था अगर मैंने आपको याद आ रहा हो तो इस तरीके से एक्सिस बनाई थी और एक्सिस में मैंने जो एयरक्राफ्ट को शो किया था इस फॉर्म में यहाँ पर लिफ्ट वैक्टर मैंने शो किया था और इधर मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखाया था इधर वर्टिकल कंपोनेंट दिखाया था इसको मैंने सेंट्रिपिटल फोर्स बोलाया था और इसको सेंट्र फ्यूगल फोर्स बताया था यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट होता हुआ दिखा था ठीक है तो नॉर्मल टर्न का अगर केस पकड़ते हैं तो नॉर्मल टर्न में हॉरिजॉन्टल लिफ्ट फोर्स विल बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक है ये दोनों आपस में बैलेंस होंगे वेयर एज द स्लिप केस अगर बना स्लिप टर्निंग की बात करेंगे तो हॉरिजोंटल लिफ्ट आपकी कम रहेगी, वो ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्स तो सेंट्रिफिकल फोर्स आपका कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अगर हमारा सेंट्रिफिकल फोर्स कम है एज़ कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेंट्रिपिटल फोर्स आपका ज़्यादा है दिस मीन्स हमारा एयरक्राफ्ट स्लिपिंग कंडीशन में चला जाएगा तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा भी बैंक एंगल ना हो जाए कि हमारा एयरक्राफ्ट स्लिपिंग कंडीशन में एंटर कर ले ठीक है देन स्किडिंग स्किडिंग टर्न की अगर बात करते हैं तो स्किडिंग टर्न के अंदर हम लोगों ने देखा कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अ लिफ्ट देन एयरक्राफ्ट विल एंटर इंटू द स्किडिंग केस तो स्किडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग अगर बैंक एंगल और एंगल ऑफ अटैक पे काम करें तो हमें यह कंडीशन भी कंट्रोल होते हुए दिखेगी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कौन दोनों स्लिपिंग एंड स्किडिंग कंडीशन एक में आपको अगर बैंक एंगल बढ़ाना पड़ रहा है तो दूसरे में आपको बैंक एंगल कम करना पड़ रहा है ठीक है सिमिलरली एंगल ऑफ अटैक पे भी आपको बेस्ड ऑन दैट ओनली काम करना पड़ेगा तो वी हैव सीन एंगल एंगल ऑफ ऑफ अटैक और बैंक दोनों एक तरीके से इनवर्सली काम करते हैं नाउ बात करते हैं थोड़ी सी आगे नाउ स्टीप टर्न कैन ओनली बी अकंप्लेस इफ द इंजन इज पावरफुल इनफ टू कीप द एरोप्लेन ट्रेवलिंग एट अ हाई स्पीड एंड एट हाई एंगल ऑफ अटैक हैप इवन एट द स्टॉलिंग एंगल देखो अब स्टीप टर्न लेना है तो स्टीप टर्न यानी कि बड़े एंगल पर टर्न अगर ऐसा कोई टर्न लेना है तो उस केस में इंजन इतने पावरफुल होने चाहिए कि स्टॉलिंग एंगल पे भी यानी कि लार्ज एंगल ऑफ अटैक पे भी आपको हाई स्पीड प्रोवाइड कर पाएं तभी आपको स्टीप टर्न मिल पाएगा अगर हाई स्पीड की बात आई मतलब आपको थ्रस्ट हाई करना पड़ेगा ठीक है तो यह अपने को ध्यान रखना है यह एक केस बनता है तो ये आप पॉइंट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ के रखेंगे स्टीप टर्न लेने के लिए इंजन पावरफुल होने चाहिए ताकि वो एयरक्राफ्ट को इतनी स्पीड दे पाएँ हा, मतलब हाई स्पीड दे पाएं एट हाई एंगल ऑफ अटैक विच इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट क्यों है कि हाई एंगल ऑफ़ अटैक पे आपको ड्रैग ज़्यादा मिलता है तो आपको एक तरीके से हाई एंगल ऑफ़ अटैक पे स्पीड कम मिलती है बट अगर इंजन पावरफुल है तो आप थ्रश बढ़ा के इंजन मतलब एक तरीके से स्पीड भी बढ़ा सकते हो टर्न रेडियस इन इन्वर्सली प्रपोर्शन टू बैंक एंगल ये हम देखे थे टर्न रेडियस जो है क्यों कौन सा रिलेशन था जो हमने देखा था टेन फाइव इज इक्ल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी तो वहाँ पे टर्न रेडियस इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू द बैंक एंगल था स्पीड हैज मोर इफेक्ट ऑन द बैंक एंगल देन दस द रेडियस ऑफ टर्न ये पॉइंट आपको याद रखना है स्पीड का जो हमने रिलेशन देखा अभी मैं तीनों दोनों रिलेशन अभी लिख के बताऊँगा वहाँ पे हम ये पॉइंट वापस से डिस्कस कर ले स्पीड का ज़्यादा इफेक्ट है बैंक एंगल पे एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ टर्न ये आपको याद रखना है देन फ्लैट टर्न क्या है मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है फ्लैट टर्न इज वन विद ऑल द यो विदाउट एनी बैंक यानी कि फ्लैट टर्न के अंदर बैंकिंग नहीं होती सिर्फ योइंग होगी फ्लैट टर्न इज अ टर्न वो फ्लैट टर्न इज अ टर्न इन विच एयरक्राफ्ट इज योइंग ओनली विदाउट एनी बैंक बिना बैंकिंग के एयरक्राफ्ट यो होना एक फ्लैट टर्न को प्रोनाउंस किया जा सकता है नाउ अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ आपसे एक मिनट लेट मी क्लीन दिस स्क्रीन अब यहाँ पे मैं आपसे फॉर्मूले शेयर करता हूँ जिससे हम लोग रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको टर्न रेडियस का फार्मूला दिया ठीक है तो टर्न रेडियस का फार्मूला आई हैव गिवन टू यू लेट मी राइट इट टेन phi इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो फाई जो है वेलोसिटी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है इसको स्क्वायर को ठीक से लिखता हूँ और आप देखो फाइ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टर्न रेडियस के ठीक है दिस शुड बी क्लियर टू यू अगर बैंक एंगल बढ़ा तो आप टर्न रेडियस देख सकते हैं टर्न रेडियस जो है वो कम हो जाएगी तो ये इन्वर्सरी रिलेटेड है ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं और अभी एक पॉइंट हमने पढ़ा कि स्पीड का ज़्यादा रोल है एज कम्पेयर टू द टर्न रेडियस से अगर देखते हैं तो देन एक और रिलेशन टर्न रेट का ये तो हो गया टर्न रेडियस अब टर्न रेट की बात करते हैं टर्न रेडियस यानी कि हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल डब्लू से ओमेगा जैसे प्रोनाउंस किया जाता है ओमेगा इज इक्वल टू एक्चुअली होता है वी अपॉन आर वेलोसिटी टू द टर्न रेडियस का रेशियो जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है तो यहाँ पे आई कैन राइट दिस फार्मूला इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ <coughs> तो मेरे पास क्या फार्मूला बनेगा जी मैं वेलोसिटी को यहाँ से निकाल रहा हूँ वेलोसिटी को इससे तो जी मतलब मैं अगर ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर रखता हूँ तो मेरा फार्मूला जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दैट विल कम्स आउट टू बी जी ऑफ टेन फाइव ठीक है जी ऑफ टेन फाइव डिवाइडेड बाय वी जी ऑफ टेन फाइव डिवाइडेड बाय वी मैंने क्या किया एक वी की जगह वी इन टू वी करके मैंने एक तरीके से फॉर्मूला ये मॉडिफाई किया तो यहाँ पे देखो आप जो आपका टर्न रेट है जो रेट ऑफ़ टर्न है वो हमारा डिफाइन हो गया ये हमारा ओमेगा से टर्न रेट डिफ़ाइन होता है इतने को आप टर्न रेट बोल सकते हैं वो टर्न रेट यानी कि वी बाई आर हुआ तो वी बाई आर को मैंने ब्रेक करके फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लिया कि एक अगर मैं वी का वैल्यू निकालूँ तो दैट विल बी कमिंग आउट तो वी का वैल्यू जो मिलेगा को मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा दैट इज़ वॉट आई हैव रिटर्न तो वी स्क्वायर बाई आर वी कैन से वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला अब कैसे आया इसको आप देखो v से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला मिल जाएगा तो यू कैन सी कि यहाँ पे अगर टर्न रेट की बात करें तो इतने को मैं टर्न रेट प्रनाउंस कर रहा हूँ तो आई कैन राइट दिस एज आर ओ टी रेट ऑफ़ टर्न आर ओ टी इज़ रेट ऑफ टर्न विस इक्वल टू जी ऑफ दिस टेन फाई अपॉन वी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जो आर ऑफ़ टर्न है एक मिनट हाँ ये जो रेट ऑफ टर्न है ओके okay, ये कलर इतना विजिबल नहीं है ये जो रेट ऑफ टर्न है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैंक एंगल के वेयर एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के दोस्तों ठीक है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है रेट ऑफ टर्न इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द बैंक एंगल एक तरीके से ये उल्टा है हमारा टर्न रेडियस से टर्न रेडियस जहाँ पर बैंक एंगल आप देख रहे हैं एक तरीके से डायरेक्टली प्रपोर्शन दिखा रहा है और अगर टर्न रेडियस का यहाँ से आप फार्मूला निकालते हैं तो लेट मी डू देट ऑल्सो मान लो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ इमेज को ओके हाँ यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं अपन दिस इज़ पॉसिबल ओके ना यहाँ पर मैं लिखता हूँ वापस से फॉर्मूला तो आर को आई कैन राइट एज वी स्क्वायर अपॉन जी टन फाई दोस्तों तो यहाँ से ये क्या है टर्न रेडियस है ठीक है दिस इज़ नॉट द टर्न रेडियस तो यहाँ आप देख सकते हो टर्न रेडियस जो है डायरेक्टली प्रपोर्शन है वी स्क्वायर के और इनवर्सली प्रपोर्शन है फाइव यानी कि बैंक एंगल के है टर्न रेडियस ये है टर्न रेडियस ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर डी में तो आपको याद रखना टर्न रेडियस इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द वेलोसिटी स्क्वायर वेयर इज डायरेक्टली ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शन सॉरी यह इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मैंने ये गलती से फाइव के डायरेक्टली बना दिया यह है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन बाई फाइव ठीक है इनवर्सली प्रपोर्शन टू द बैंक एंगल आप देख सकते हो टेन फाइव बॉटम में तो यहाँ पे मेरे पास टर्न रेडियस के लिए भी फार्मूला आ गया जिसमें टर्न रेडियस बोलता है कि मैं वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूँ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हूँ बैंक एंगल के वेयर रेस हम लोगों ने ये भी देख लिया कि टर्न रेट की अगर बात करें तो वो ठीक उल्टा काम करता है टर्न रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैंक एंगल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है दोनों फार्मूले भी आप अपने पास रखिएगा ये आपको हेल्प करेंगे अब एक चीज़ और बनती है लोड फैक्टर से इनका रिलेशन क्या है दोस्तों ठीक है लोड फैक्टर से रिलेशन भी देख लेते हैं अब मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे लोड फैक्टर से ये कैसे रिलेटेड है ठीक है दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ कि टर्न रेडियस हमारा एक तरीके से लोड फैक्टर से कैसे रिलेटेड है ठीक है तो अगर मैं टर्न रेडियस का फॉर्मूला लिखूँ तो आर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन दोस्तों दिस इज वॉट द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ टर्न तो यू कैन सी आर जो है रेडियस ऑफ टर्न इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू लोड फैक्टर टर्न रेडियस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड फैक्टर ये हो गई एक चीज़ सिमिलरली अगर आपने मतलब टर्न रेट भी निकाला तो टर्न रेट आपका उल्टा हो जाएगा टर्न रेट हमने देखा फार्मूला क्या बन रहा था टर्न रेट का टर्न रेट का फॉर्मूला बनेगा आर ओ टी हमने देखा टर्न रेट का फॉर्मूला क्या था जी ठीक है और ऊपर आएगा ये एन स्क्वायर माइनस वन और नीचे आ जाएगा सिर्फ वी ये अपने पास मिलेगा एक तरीके से टर्न रेट का फॉर्मूला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आर ओ टी है रेट ऑफ टर्न है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक मिनट इसको रफ करता हूँ थोड़ा हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड फैक्टर तो टर्न रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोड फैक्टर के वेयर एस टर्न Uh, जो आपका टर्न रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है लोड फैक्टर के ये भी आपको याद रखना वो लोड फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हो रेशियो ऑफ द लिफ्ट टू द वेट तो टर्न रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लोड फैक्टर वेयर इज टर्न रेट इज